इलैक, जो किताब आप पर नाजिल हुई है और जो वही खफी के जरिए हदीस जो आप पर नाजिल हुई है उस पर वो ईमान रखते हैं, यानी कुरान पर और हदीस पर। अच्छा, पांचवी चीज, आपसे पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं उनके ऊपर भी वो ईमान रखते हैं। देखो यहां पर कादियानियों का रद है, आपसे पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं, इसका मतलब अगर आपके बाद भी कोई नबी आने वाला होता और उसके ऊपर कोई किताब उतरने वाली होती तो यह कहा जाता कि उस पर ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुई किताबें और आपके बाद जो किताबें नाजिल होंगी। मिन बादिक ना कह करके मिन कब्लिक पर इक्तफा करना दर हकीकत इस बात की दलील है कि नबूवत आप पर खत्म हो चुकी है और आपके बाद कोई नबी भी आने वाला नहीं और आपके बाद कोई किताब भी उतरने वाली नहीं है। छठी चीज, वो बिल आखिरत हुम यूकिनून, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, छठी सिफत। और तकवा ले लीजिए जो पहले है, दर हकीकत ये कामयाबी के सात मदारिज हैं। अगर ये चीजें किसी की जिंदगी में आ जाएं, क्या तकवा, ईमान बिलगैब, नमाज का कायम करना, जकात का देना, कुरान पर ईमान रखना और अंबियाए किराम के ऊपर उतरने वाली किताबों का यकीन रखना, आखिरत पर यकीन रखना, ये सारी की सारी चीजें जो कुल सात हुई, ये किसी की जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह तबारक तआला ने मुजद सुनाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब है, अपने रब की तरफ से हिदायत पर है और कामयाब ही लोग हैं। सात चीजें जिसकी जिंदगी में आ जाए वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर है और वो कामयाब है। पहले मोमिनों का तस्करा हुआ, उसके बाद दो आयतों के अंदर काफिरों का जिक्र है, दो आयतों के अंदर काफिरों का जिक्र है, बताया गया कि चाहे आप इनको डराएं या ना डराएं, खास आदमी मुराद है, यहां चंद लोग मुराद हैं, जैसे अबू जहल है, अबू लहब। उसके बाद ये कहा गया खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दिया। अल्लाह मोहर नहीं लगाता किसी के दिल पर, अल्लाह किसी के दिल पर मोहर नहीं लगाता। यहां अल्लाह का किसी के दिल पर मोहर लगाने का मतलब यह है कि ईमान की बातें उसके सामने पेश की जाती रहें और वो बराबर इनकार करता रहे, बराबर इनकार करता रहे, तो एक मरहला ऐसा आता है कि उसके दिल के ऊपर जंग लग जाता है, इसी को खत्म कहते हैं, मोहर कहते हैं, मोहर कहते हैं। गोया कि ये जो मोहर लगी है ये इसके बदअमलियों की सजा है, सजा के तौर पर वो मोहर इसके दिल पर लग गई है और मजाजन अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत कर दी गई। तो दो आयतों में मुशरिकीन का तस्करा है, काफिरीन का तस्करा है, और उसके बाद 13 आयतों के अंदर मुनाफिकीन का तस्करा है। मुनाफिकीन के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात कही गई, फी कुलूबिहिम मरज, ये बड़ी खतरनाक बात है, फी कुलूबिहिम मरज, इनके दिलों में मरज है। अच्छा आप बोलो कि मरज किसे कहते हैं, मरज बीमारी, सिकनेस क्या बोलते हैं, मरज, मरज किसे बोलते हैं, मरज कहते हैं कोई चीज अपना फितरी अमल छोड़ दे, मरीज हो जाता है, किडनी अपना काम करना बंद कर दे, जो फितरी अमल है उसका बीमार हो जाती है, दिल जो उसका फितरी अमल है, जो नेचुरल वर्किंग है, वो बंद कर दे, बीमार हो जाती है। आजा, ये हाथ मसलन, ये पैर, ये अपना फितरी अमल बंद कर दे तो शल हो जाते हैं मसलन, तो समझो बीमार हो गए। तो कोई चीज अपना नेचुरल वर्किंग, अपना फितरी काम छोड़ दे तो बीमार हो जाता। बताया गया कि दिल, अल्लाह ताला ने इंसान का दिल इस तरह बनाया है कि उसमें तौहीद वदियत कर दी है, जैसा कि हदीस में कुल्लू मौलूदी यूलदु अलल फितरा,
हर बच्चा तौहीद के ऊपर पैदा होता है, ये तो माहौल उसको जो मिलता है, मजूसी माहौल, नसरानी माहौल, यहूदी माहौल, ये माहौल के रंग में रंग जाता है, मजूसी हो जाता है, नसरानी हो जाता है, यहूदी हो जाता है। यानी दिल का जो फितरी वर्क था, फितरी जो काम था, उसने करना बंद कर दिया, दिल मरीज हो गया। यह बीमारी मादियात में भी है और यह बीमारी रूहानियात में भी है। आज अपना काम बंद कर दे तो वो बीमार हो जाते हैं। इसी तरह रूहानियात में दिल जिसके अंदर वदियत की हुई है तौहीद, अगर वो अपना फितरी काम जिस पर से पैदा किया गया छोड़ दे, फितरी काम, नेचुरल वर्किंग, बीमार हो जाता है। इसी तरीके से ये मुनाफिक हैं, ये बीमार है, इनके दिल बीमार है। फिर कुलूब ही मरब, इनके दिलों में बीमारी घुस गई, फितरी अमल जो है दिल का वो खत्म हो गया, दिल ने फितरी अमल छोड़ दिया। तो पहले मोमिनों का तस्करा हुआ, फिर उसके बाद दो आयतों में काफिरों का तस्करा हुआ, उसके बाद 13 आयतों के अंदर मुनाफिकीन का तस्करा हुआ। और मुनाफिकीन की दो किस्में बताई गई। एक मुनाफिक तो वो हैं जो अपने निफाक के ऊपर, कुफर के ऊपर सख्ती से जमे हुए हैं और इस्लाम का और ईमान का जो इजहार करते हैं अपनी जान बचाने के लिए या तो फिर दुनियावी मफाद के लिए। और दूसरे किस्म के जो मुनाफिकीन हैं वो इस्लाम की हक्कानियत देखकर इस्लाम की तरफ बढ़ते तो हैं लेकिन इस्लाम के अंदर, इस्लाम के रास्ते में आने वाली जो मुश्किलात है उसको देख करके पीछे हट जाते। ये दो किस्म के मुनाफिकीन। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का बयान शुरू किया। या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों तुम अपने रब की इबादत करो। और रब की इबादत ही क्यों करना है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये चीजें सब मैंने की। आसमान को छत बनाया, जमीन को बिछौना बनाया, आसमान से पानी नाजिल किया वगैरह वगैरह, ये कौन करता है? ये मैं करता हूं, कोई और नहीं करता, लिहाजा मैं ही इबादत का मुस्तहिक हूं। तो दो आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने तौहीद का बयान फरमाया, तौहीद के दलाइल दिए। उसके बाद रिसालत का बयान किया दो आयतों में कि अगर इस मेरे नबी के बारे में तुम्हें शक है कि ये मेरा रसूल नहीं है तो इसको परख लो ना। शीरादी का एक शेर बड़ा प्यारा सा कहते हैं कि दर दोस्तिये हाफिज अगर नेस्तत यकीन, जर खाली सस्तो बाक नमी दारा दजमे हक। बोलता है कि अगर हाफिज की दोस्ती पर तुझे यकीन नहीं है तो सोना खालिस है, कसौटी रखी हुई है, घिस कर देख ले सोना है कि पीतल है। तो अगर मेरे नबी की नबूवत और रिसालत के ऊपर तुम्हें यकीन नहीं है तो ऐसा करो, सोना तो खालिस है, कसौटी के ऊपर घिस कर देख लो ना। जर खालिस तो बाक नमी दार दल में हक, सोना खालिस है, कसौटी रखी हुई है, घिस कर देख लो मेयार के ऊपर, पता चल जाएगा ये पीतल है ये सोना है। अगर तुम ये कहते हो कि ये झूठा नबी है, पीतल मानते हो इस सोने को, तो कसौटी मौजूद है ना। कौन सी कसौटी? जिस पर कस कर देखना है, घिस कर देखना है, कुरान है ना। ये कुरान जो इसके ऊपर नाजिल हो रहा है इसकी नजीर ला करके बता दो, नजीर ला करके बता दो। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, ऐसी सूरत तुम ले आओ। गोया दो आयतों में तौहीद और उसके दलाइल दिए गए और उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर दलाइल पेश किए गए। और तौहीद पर जो दलाइल दिए गए वो भी मुस्कित और मुफहिम, और नबी की नबूवत और रिसालत के सबूत में जो दलाइल पेश किए गए वो भी मुफहिम और मुस्कित कि उनका तोड़ नहीं लाया जा सकता। अब जाहिर है कि आप तौहीद और रिसालत को मान लेंगे, मुसलमान बन जाएंगे, ईमान वाले बन जाएंगे, तो उसका फायदा भी बताना चाहिए ना। तो थोड़ा सा फायदा बता दिया गया। क्या फायदा बताया गया? कि जन्नत में फल बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे हैं?
और उसमें पाक बीवियां होंगी, तो जन्नत का तस्करा होगा कि जन्नत मिलेगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बास पागल मौत पर एक बड़ी प्यारी दलील दी। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। अरे तुम अल्लाह का कैसे इनकार करते हो, तुम तो मुर्दा थे। मुर्दा का मतलब तुम्हारे जिस्म में रूह नहीं थी, मुर्दा थे तुम, तुम्हारे जिस्म में रूह आ गई, जिंदा हो गए। जब तक रूह नहीं आई थी तब तक मुर्दा थे ना। जिस्म ने रूह को कबूल किया, जिस्म जिंदा हो गया, फिर जिस्म से रूह निकल गई, फिर मुर्दा हो गए। तो जैसे पहले जिस्म में रूह नहीं थी, रूह आई तो जिंदा हो गए, ऐसे ही रूह जिस्म से निकलने के बाद तुम जब मुर्दा हो गए, फिर दोबारा रूह डाल करके तुम्हें जिंदा करना, ये अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। बास बादल मौत का कैसे इनकार करते हो तुम। बड़ी प्यारी दलील दी गई। उसके बाद ये फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने क्या कहा, ऐ अल्लाह हम तेरी तस्बीह और तकदीस के लिए काफी हैं, तो ऐसी हस्ती क्यों बनाएगा जो जमीन में फसाद करे। इसका मतलब यह कि इस जमीन पर इंसानों से पहले जिन्नात बसते थे और इनकी सरिश्त में फसाद था, लूट मार करना, फसाद करना, खुरेजी करना, उसी के पेश नजर फरिश्तों ने यह कहा कि ऐसी मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है जो जमीन में फसाद करे। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमुन, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को आसमत सिखला दिए गए और फरिश्तों से कहा गया, तो चलो इनके नाम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया, पहले फरिश्तों से कहा गया चलो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि कालू सुबहानकल्ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, हमें इल्म नहीं, जितना तूने सिखा दिया है उतना हमें मालूम है। इससे पता चला फरिश्तों को भी गैब का इल्म नहीं होता, अल्लाह ने जितना बता दिया है बस उतना ही उनको इल्म है। उसके बाद हजरत आदम से कहा गया कि तुम उनके नाम बताओ, फौरन उन्होंने नाम बता दिए कि ये। उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया गया जिसमें वो शैतान भी था इबलीस, कि सजदा करो आदम का। तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए, खड़ा रह गया। अब सवाल यह है कि ये सजदा कैसा था, सजदे की वजह क्या थी और इबलीस के इनकार सजदा की वजह क्या थी। तीन उमूर तनकीह तलब है। तो जानना चाहिए कि यह सजदा सजदे ताजीमी था, सजदे इबादत नहीं था, सजदे इबादत नहीं था, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ला ताबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, वो सजदे इबादत नहीं था बल्कि सजदे ताजीमी था। और दर हकीकत अल्लाह को तमाम फरिश्तों के सामने इबलीस का कुफ्र जाहिर करना था कि ये तुम्हारी सफ में जो ये इबलीस है इसके दिल में कुफ्र छुपा हुआ है। अब उसको जाहिर कैसे करना, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सबके सब सजदे में चले जाओ, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, खड़ा रह गया। अल्लाह ताला ने सबके सामने इसका कुफ्र जाहिर कर दिया कि देखो तुम्हारे दरमियान एक मारे आसनी था, इसके दिल में कुफ्र छुपा हुआ था, तुम्हें मालूम नहीं था, हमें इल्म था, अब इसका कुफ्र यूं जाहिर हो गया। तो सजदा इबादत नहीं था और अल्लाह तबारक व ताला की एक इताअत थी, अल्लाह कहे इसको सजदा करो तो हमें क्या देखना है, अल्लाह का हुक्म देखना है ना। वो क्या कह रहा है करने के लिए वो नहीं देखना है, हमें तो हुक्म देखना है कि वो क्या करने के लिए कह रहा है, ये देखना है। जो हुक्म दे सरे तस्लीम खम कर दो, सजदा करना है चलो सजदा करो। तो ये सजदा इबादत का नहीं था, सजदे ताजीमी था और अल्लाह के हुक्म की इताअत थी। पता ये चल गया कि फरिश्ते अल्लाह के मुती हैं और इबलीस अल्लाह तबारक व तआला का मुनकिर। सजदा कराने की वजह इंसान की बर्तरी को जाहिर करना, तफावुक को जाहिर करना, किसकी बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद। गोया
आदमी बुलंद होता है इल्म की बुनियाद पर।